तो हेलो गाइस, दिस इज मैक्सवेल भैया। आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बैन अनबैन दोनों पे रहने वाला, मतलब अब तक बैन हुआ तो क्या उस पे था एंड अनबैन होने के क्या चांसेस है, क्या है, उस पे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स जैसे कि अब तक क्या चला, मतलब 2 तारीख को बैन हुआ था तो अभी तक क्या चीज़ें चलते आई है उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट मैं बताऊँगा एंड कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो लोग फ्रिक्वेंटली पूछ रहे उस पर भी हम लोग थोड़ा सा देखते क्या है एंड अब तक इंडियन सर्वर क्यों चल रहे हैं उस पर, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। इस पर थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एंड आगे क्या हो सकता है उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, मतलब बैन रहेगा कंटिन्यू या अनबैन होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, अभी तक का अपडेट ये है, 2 सितंबर 2020 को पबजी बैन का न्यूज़ आया था। ओके, 4 सितंबर को प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से निकाल दिया गया था पबजी। फिर उसी दिन ये भी न्यूज़ आया था, 2 दिन का समय था, 2 से 4 तारीख कि टेंसेंट को 34 बिलियन का लॉस हुआ विद इन 2 डेज। ओके, तो 8 तारीख को हमें ये न्यूज़ मिला था कि पबजी जो है वो अपने टाइप जो है वो ब्रेक कर रही है टेंसेंट के साथ में। ठीक है, एंड 9 को ये अपडेट आया था कि पबजी कॉरपोरेशन जो है इंडिया में इंडियन पब्लिशर कोई देख रहा इंडिया के लिए। ओके, सो गाइस 9th को जब पबजी कॉरपोरेशन ने ये कहा था कि हम इंडियन पार्टनर देख रहे हैं, उसी वक्त हमें ये भी पता चला था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 70 ऐसे और क्वेश्चंस दिए हैं जिसका क्लेरिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट चाहती है पबजी कॉरपोरेशन से। ओके, तो दे आर वेटिंग कि उस क्वेश्चन का आंसर मिले एंड आगे तब जाके इंडिया उस पर स्टेप लेगी, इंडियन गवर्नमेंट स्टेप लेगी आगे क्या करना है, वेदर पबजी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे ये अभी तक चलते आए, इसके ऊपर में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है, तो ये पॉइंट्स थे कुछ। ओके, तो गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ये गेम पब्लिशिंग कंपनी क्या होती है, जैसे टेंसेंट जो था वो इंडिया में गेम पब्लिशिंग कंपनी था, तो एग्जैक्टली होता क्या है, करता क्या है। तो ब्रीफ में अगर समझाने जाए तो गेम पब्लिशिंग कंपनी जो होता है उनके पास में वो राइट्स होता है उस स्पेसिफिक कंट्री में आपको गेम रन करने के लिए, और उस गेम का पूरा डेवलपमेंट वो पर्टिकुलर कंपनी देखेगी, दैट इज़ दी पब्लिशिंग कंपनी, गेम पब्लिशिंग कंपनी। ओके, तो एज सिंपल एज दैट। तो अब जो पबजी कॉरपोरेशन ढूंढ रहा है इंडिया में पार्टनर वो गेम पब्लिशिंग के लिए देख रहा है, मतलब गेम बनाएगा पबजी कॉरपोरेशन ही, बट जो इंडिया में रन करेगा डेवलप करेगा वो पूरा चलाया जाएगा इंडियन कंपनी के थ्रू। ओके, तो गाइस एक और क्वेश्चन जो बेसिकली लोग पूछते हैं कि टिकटॉक भी बैन हुआ था, पबजी अभी बैन हुआ है, तो टिकटॉक अभी तक आया नहीं है तो पबजी क्यों आएगा, तो ये इसमें बहुत सिंपल आंसर है गाइस। टिकटॉक जो था वो 100% चाइनीज़ कंपनी थी और पबजी जो है इट्स अ साउथ कोरियन कंपनी जिसमें टेंसेंट का 10% स्टेक था, एंड अभी जो इंडिया में बैन हुआ है उसके कारण तो टेंसेंट से पबजी ने टाइप्स भी तोड़ दिए, मतलब अभी इंडिया में जो आएगा वो या तो होल सोल पबजी कॉरपोरेशन ही होगा या तो इंडियन पार्टनर के साथ में होगा, तो चाइना का कोई इसमें रोल नहीं होगा, इसलिए चांसेस है कि अनबैन हो जाए, है ना। और टिकटॉक इसलिए अनबैन नहीं हो सकता बिकॉज दैट वॉज 100% चाइनीज कंपनी। ठीक है, एक और मेजर क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आया कि अब तक इंडिया में इंडियन सर्वर क्यों चल रहे हैं, अभी तक अगर इंडिया में 2 तारीख को बैन हुआ तो सर्वर क्यों नहीं बैन हुए, तो गाइस हमने देखा अभी तक सर्वर चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है, तो इस पे मैं तुम्हें अच्छे से एक समझाऊंगा डिटेल में। तो आइए गाइस मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ओके, विथ फिगर्स एंड फैक्ट्स। ओके, तो गाइस ये जो है ये इंडिया स्पोर्ट का एक आर्टिकल है दैट इज़ रिटन बाय आदिब सैयद। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एग्जैक्टली अभी तक क्यों रन कर रहा है, तो आइए गाइस हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे इसमें लिखा है पबजी वॉज बैन बाय इंडिया ऑन September 2, 2020, 118 बैन हुए थे, ठीक है, एंड उसके बाद में ऐप सब निकल गया था। अब देखिए गाइस मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। द प्राइमरी रीजन बीइंग द पबजी सर्वर्स फॉर इंडिया नॉट बीन शट डाउन बाय डेवलपर्स, दे कंटिन्यू द सर्वर्स टू रन एंड ऑल्सो रिसेंटली अनाउंस दैट दे आर इन टॉक्स विद गवर्नमेंट। ओके, तो वो लोग बात कर रहे, तो अभी तक पबजी कॉरपोरेशन ने सर्वर बंद नहीं किए इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक बात कर रहे हैं एंड दे डोंट वॉन्ट कि आगे अगर अनबैन होता है तो चीज़ें वापस से सर्वर पर लाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ देयर होप दैट द गेम माइट गेट अनबैन एंड दे वोंट लूज मिलियन ऑफ प्लेयर्स एंड हेल्दी ई स्पोर्ट्स। ओके, और इसमें हम लोग एक और चीज़ देखेंगे गाइस कि
इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती थी जो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने किया नहीं है, मे बी दैट्स अ होप फॉर अस और अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस, है ना। तो इसमें लिखा गया, इफ द इंडियन गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कम्प्लीटली बैन द प्लेयर्स फ्रॉम प्लेइंग द गेम, दे कैन डू इट बाय आस्क ISPs टू फिल्टर आउट नॉन पबजी ID एड्रेसेस फ्रॉम देयर राउटिंग टेबल्स, ओके, आस्क DNS प्रोवाइडर्स यू स्टॉप रिजॉल्विंग एड्रेसेस टू फॉर अननोन पबजी डोमेन्स, ओके, आस्क Apple एंड Google टू बैकलिस्ट द ऐप अक्रॉस फोन्स, मे बी इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था। तो गाइस ये सब पावर्स है गवर्नमेंट के पास में जिसके थ्रू टोटल बैन कर सकती थी इंडिया गवर्नमेंट, तो अब तक इसलिए नहीं किया जैसे मैंने बताया कि ये इंटीरियम बैन है, ओके, तो पूरा टोटल बैन अभी हुआ नहीं बिकॉज अभी टॉक्स चल रहा है, अभी क्वेश्चन पूछा है, इंटीरियम बैन हुआ है तो क्वेश्चन पूछा गया, अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता तो परमानेंट बैन हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है, बट वी आर नॉट श्योर दैट द गवर्नमेंट विल ब्लॉक दिस सर्वर, सच बैन्स माइट टेक सम टाइम, हो सकता है ये टाइम भी ले रहे हो, आगे बैन हो आई कांट से, बट ये मेरा एजम्पशन है कि अभी टॉक चल रहा है इसके कारण टोटल बैन नहीं किया है। If the PUBG Corps doesn't turn off the server access for India regions, users will have the upper hand to still playing the game even after they ban without using VPN. हम तो गाइस आप लोग देख रहे हो जो भी खेल रहे हैं वो लोग VPN यूज़ नहीं कर रहे, वो इंडियन सर्वर में ही कर रहे हैं, ठीक है। Currently there is no information on when PUBG mobile servers are going off. ISP set into act on the ban. Okay. If ISPs block the app, content can't be shared as a इंटरनेट टैरिफ फ्लोस थ्रू देयर सर्विस, मोर ओवर इफ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स दे कैन रिमूव एप्स फ्रॉम फोन, गवर्नमेंट के पास में बहुत ऐसे सोर्सेस है कि आज जो खेल रहे लोग खेलने से रोक सकती है, ठीक है। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम, बट डेफिनेटली अगर ये चीज़ें कर सकते नहीं किया है तो देर इज अ रे ऑफ होप कि हो सकता है आगे अनबैन कर सकते अगर सेटिस्फाई होती है गवर्नमेंट, सो है ना। तो गाइस अगर तुम्हें और थोड़ा डिटेल्स में चाहिए तो ये पोस्ट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है गाइस, इससे तुम्हें आइडिया आ गया होगा क्यों अभी तक इंडियन सर्वर्स पबजी के अभी तक चल रहे हैं, है ना। आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट कि आप खेलो चाहे ना खेलो, पर बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें शायद क्लियर कर दी आप लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं गाइस, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था वो है आगे क्या हो सकता है, ठीक है गाइस। तो आगे के पॉइंट्स ये है गाइस, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक फॉर नेगेटिव पॉइंट्स, ओके। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, एक कि पबजी की तरफ से कुछ तो भी स्टेप्स आ गए हैं, गवर्नमेंट ने इतना अभी रिएक्ट नहीं किया, मे भी शायद अभी गवर्नमेंट को रिप्लाई ठीक से मिला नहीं इसके कारण नहीं किया होगा, बट अगेन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिप्लाई है नहीं, तो दैट आई एम टेकिंग इट एज अ नेगेटिव पॉइंट। दूसरा है क्वेश्चंस, जो 70 क्वेश्चन हमें पता चले कि पूछा अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, आई एम नॉट सेइंग कि तीन वीक से पहले रिस्पांस दे, पर अगर अभी तक आया नहीं है इसका मतलब यही है कि दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, ओके। एंड और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फॉर नेगेटिव पॉइंट्स, जो मुझे लगता है कि पहले जो बैन हुआ अभी तक वापस नहीं आए, है ना, तो एक वो पॉइंट है कि अभी तक वो नहीं आया तो शायद ये ऐप आएंगे नहीं आएंगे, वो चीज़ है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएंगे, बट वो भी नहीं आए तो दिस आई टेक इट एज अ नेगेटिव पॉइंट, ओके। तो गाइस नाउ विल सी दी पॉजिटिव पॉइंट्स, ओके। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पबजी जो है वो इंडिया में इंडिया के पार्टनर देख रही है, पबजी किसी भी हालत में इंडिया में पबजी को रन करानी चाहती है, इसके कारण उन्होंने टेंशन के साथ में टाइप ब्रेक किए एंड इंडियन पार्टनर देख रहा है इंडिया में, चाहे तो पबजी खुद भी चला सकता था आगे, बट दे वॉन्ट कि अगर कोई इंडियन पार्टनर हो तो आगे भी फ्यूचर सिक्योर हो, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट गाइज ये है कि अभी तक सर्वर्स रन हो रहे, इसका ये एक सबसे मेजर पॉइंट है कि आगे अनबैन हो सकता है, बिकॉज कि शायद जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के पास में कुछ पावर्स थे जिससे वो टोटल अनबैन कर सकता था, मतलब टोटल इन द सेंस कि सर्वर भी ब्लॉक कर सकता था, नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आगे अनबैन होने के चांसेस अच्छे हैं। एक और पॉइंट ये है गाइज कि तीन वीक का टाइम मिला है, तो तीन वीक के टाइम में तो आई सपोज कि शायद तब तक आंसर मिल जाए, मतलब एक अच्छा खासा टाइम दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी कॉरपोरेशन को कि आप 70 क्वेश्चन का आंसर्स दो, तो लेट्स सी अगर टाइम मिला है तो वो लोग उस सबको रेक्टिफाई करेंगे, जो भी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसको आंसर करेंगे गाइस, ठीक है। तो एक और मेजर पॉइंट ये है गाइस कि सिर्फ 10% का स्टेक ही था Tencent का पबजी में, जो अभी ब्रेक होने के कारण 10% इंडिया में नहीं रहा, तो वो एक पॉइंट है कि ब्रेक हो चुका है दोनों का टाइप,
तो अब हमें ये दिक्कत नहीं कि इट्स अ चाइनीज, मेजरली रीज़न यही था कि सिक्योरिटी पॉइंट देखे चाइनीज ऐप्स बैन किया था हमने, तो अभी चाइना का कोई रोल नहीं रहा इसमें। ओके एंड और मेजरली एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगा कि इंडिया का साउथ कोरिया के साथ में अच्छा रिलेशन है, तो अच्छा रिलेशन है कि कोई कंट्री नहीं चाहेगा दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन स्पॉइल हो, है ना। ये कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करना चाहता था। तो गाइस ये चीज़ें हैं जो अभी तक के मुझे अपडेट पता चले हैं, एंड आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ। एंड कोई भी आप लोगों का डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, है ना गाइस। विद दैट से बाय बाय।